कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गहमागहमी मची हुई है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह तय किया है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूंगा और इसको लेकर मैं जल्द ही तारीख तय कर लूंगा। विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। वही बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन दाखिल 24 से 30 सितम्बर तक होने वाला है। वही नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर की है। नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होने वाला है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की जद्दोजहद खूब हुई थी। हालांकि उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा, इस बात की गुहार भी लग चुकी है। ऐसे में अब सोनिया गांधी ने भी यह कह दिया है कि अब गांधी परिवार में से कोई भी इस पद को चुनाव नहीं लड़ेगा। तो अब ऐसे में क्या राहुल गांधी क्या अब इस चुनाव में खड़े उतरेंगे या नहीं, इसको लेकर कई कयासबाजी लगाई जा रही है। बाकी आप क्या कहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।